you know, and have happy, peace, happy for Rahman San, Dam Baraka Kumania, Sajjada Mishinja, Devi Astana, Astana Aliya, Nakshbandiya, Yidgashmi, Lara Bindi, Pakistan. मैं एक अवैध आदमी की हैसियत से आपके खानदान और तमाम मुरीदीन इरादतमंदान और अपने दीगर इस शहर के बासी हजरात को इस माने कर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आज हम में वो हस्ती मौजूद हैं जो एक जगह से नहीं पूरे का पूरा खानवादा तीन पुश्तों से जिनका नाम सुन करके अहले इलम फुकरा और जुहाद अपने लिए बहुत बड़ा एजाज और सरमाया समझते हैं। अगर हाफिज अब्दुल करीम साहब जो वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग जो अपने वक्त के मुमताज औलियाउल्लाह में दाखिल थे, हजरत पी जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और चूरा शरीफ वाले और जितने ये बुजुर्ग गुजरे हैं उस दौर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हैसियत उनके मरतबे और मकाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी एजाज बख्शा था उसका सब एतराफ करते हैं और अपनी किताबों में जिक्र कर करते हैं। रात को मैं दो वो इतना मजमुआ बड़ा नहीं लिखा गया, तफसीलन नहीं है, उनके बाद एक बहुत बड़े आलिम दीन आपके साहबजादा साहब जो हाफिज कुरान भी है हाजी भी है, पाकिस्तान बनने से पहले की ये बातें हैं। उस वक्त वो मस्कन नशीन हुए और माशाल्लाह ये तीसरी और चौथी पुश्त जा रही है, अगर मैं गलत नहीं इस अंदाज में कुछ कह रहा, हो सकता है मेरी मालूमात मेरी हद तक जो कुछ है इतनी हूँ, लेकिन जो मुझे न्याज है अकीदत है मोहब्बत है वो रा और रसम से नहीं है, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वल्बुग़्ज़ु लिल्लाह, हमारे हर काम के अंदर इखलास होना चाहिए। अगर किसी से मोहब्बत की जाती है तो दुनियावी नमाइश करके दिखलावे के लिए और किसी को बड़ा ऊंचा करने के लिए नहीं, मैं अगले वजिल्ला अल्लाह की एक कुफार बैठे हैं माशाल्लाह नहीं मैं एक का दो मिनट सिर्फ लूंगा, और तमाम इबादात का मर्ज है इखलास, तमाम अल्लाह के नेक बंदे हमारे दिल के तस्किया के लिए हैं। तो दूर दराज से आप देगर शहरों से जो अहबाब तशरीफ लाए हैं, एक मोहब्बत है, एक लिंक है, एक ताल्लुक है रूहानी रसूल दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस दबिस्तान उस गुलिस्तान बाग से हम सब का ताल्लुक है, और रिश्ता है तौहीद और रसालत में हम सब तस्बीह के दानों की तरह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नक्शबंदिया सिलसिला के बुजुर्ग हूँ, हमारे लिए मर्जा अकीदत मोहब्बत है, वो सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हूँ या चश्तिया के हूँ या सोहरवंदिया के हूँ या कादरिया वगैरह जितने भी सलासल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत सैयद कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक हमें सलासल पहुँचाते हैं। तो मेरा से फर्ज करने का मुद्दा यह है कि अहलुल्लाह की मजलिस में बैठना, अहलुल्लाह से अकीदत रखना, उनकी जियारत करना और उनके साथ वो अकीदत और मोहब्बत रखना कि उनकी मोहब्बत में आदमी फना हो जाए। अब ये बहुत ऊंचा मकाम है अहलुल्लाह से आप फना का क्या मरतबा होता है कि अपना सब कुछ
ना जान माँ औलाद सब कुछ उनके नजर कर देते हैं, फिर वो अपनी जात में नहीं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में उनके रंगते हैं। तो ये वो चीज है मुसलमानों की। आज एक बात में अर्ज करूं, शेख होंगे तो शेख से मोहब्बत चाहिए अल्लाह की रजा के, क्योंकि वो दाई अल्लाह है। तो जो दाई अल्लाह होता है उसमें हजरात और मकासद नहीं होने चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि रब तआला मुझे हदायत दी उन्होंने, इनके तोहफात से मैं अल्लाह के हुजूर में झुका हूँ, सजदा रेज हुआ हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने आलिया तक वारगाह के सारे तक जेबासाई का मुझे मौका मिला है इन बुजुर्गों के तोहफात में। तो जिसका भी कोई बुजुर्ग हो ये नमाशी एक तो नहीं होना चाहिए, दिखलावे नहीं होने चाहिए, लिल्लाह ये दिल के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए और जितने भी लम्हात हैं जिंदगी के उस सिलसिला के साथ वाबस्ता रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिलसिला जो है ये सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। इसलिए किसी भी सिलसिला के बुजुर्ग हों उन बुजुर्गों की जात पर उनके अशखास और अफराद के साथ जो रूहानी ताल्लुक है वो मुस्तहकम होना चाहिए। इसके अंदर अजर और सवाब है। कुरान पाक की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा, जो भी अच्छा काम करता है अपने फायदे के लिए और जो बुरा काम करता है उसमें अपना ही नुकसान है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो भी मर्द या औरत कोई अच्छा काम करता है उसका अपना फायदा है और अल्लाह ने फला नुही यन्नहु हयातन तय्यबा, मैं तय्यबा जिंदगी तुम्हें अता करूंगा। तो अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के साथ हमारी वाबस्ती रखे, इनके साथ राज फरमाए और जहाँ भी हैं ये जमीन के अंदर बदर है, ये कुतब है जिसका नेल लगा करके लकड़ियाँ जो है जोड़ी जाती हैं, बड़ा नेल हो या छोटा हो ये कब्जा है अल्लाह की जमीन पर। तो ये अल्लाह की तरफ से ड्यूटी लगी होती है। ईसा बोला शरीफ वाले आप बुजुर्ग जानते हैं कि हमेशा पाबंदी के साथ बड़े बुजुर्ग भी और छोटे पिंडी में आते रहे, वो जगह हमें दिखलाई नहीं बस वहाँ आते। तो दुनिया के अंदर ये किताबी बातें हैं, लंबी बातें हैं। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि वहाँ जब उनकी ड्यूटी लगी होती है फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, उसके दूसरे जानशीन पैदा होते हैं। यकीन बात धीरे धीरे ये सिलसिला जारी रहता है। तो हमें नहीं पता कि हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल्लाह के नबी से वो कौन सा पैगाम लिया है कि रावलपिंडी तो यूँ बड़ा सारे शहर इस्लामाबाद है लेकिन वहाँ जब ईदगाह शरीफ का नाम लिया जाता है ना तो हर आदमी को पता है कि ईदगाह शरीफ क्या है। अल्लाह वालों की मोहब्बत जिंदा मसाल है। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون, ये वो आयत कुरान है जिनकी तफासिल का ये वक्त नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनका वजूद मसूद हमारे लिए, हमारे तज़किया नफ्स के लिए, हमारी इस्लाह और बेहतरी के लिए, उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये खुद बोलते हैं इनके तोहफात में हम तुस्कून और वहीं तुस्कून, इनके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें रोजी भी देता है बारिश भी देता है। मुसलमानों ये रूहानी खुराक नहीं है बल्कि हमारी जिस्मानी खुराक है अल्लाह ने हमारे, इनके तोहफात में अल्लाह ताला हमें सब कुछ पूरी कायनात को अल्लाह ताला सराफ फरमाता है। तो ये रूहानी रिश्ते हैं, सूफीज्म के अंदर रूहानियत का इर्तका है, सुकून है, राहत है और जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, उलमा में वो लोग हैं जो बामल हैं, जिनका जाहिर भी जिनका बातन भी शरीयत मुस्तफ़ी के मुताबिक ये औलिया अल्लाह के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला कि वो बंदे जिनका कौल और फ़ेल शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो, तजाद ना हो, कंट्रडिक्शन ना हो, रियाकारी और नमूद और तमाशा दुनिया के अंदर जैसा कि आजकल है वो ना हो,
वो यकीनन सही सूफी है और वो सही दायरे अल्लाह होता है। तो याद रखिए मुसलमानों, आज बड़ा पुरफितन जमाना जा रहा है, पता उत्तुल अमानत इला अहलिहा। आज दीनी इमानत इन बुजुर्गों के हाथ में, उलमाए रब्बानियों के हाथों में, अगर हम इनके साथ खलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के रजा के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए रिश्ता बरकरार रखेंगे, इंशाल्लाह हमारा मर्तबा और मकाम भी ऊंचा होगा। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला इनके तोहफात में, इनकी सोसाइटी, इनकी कंपनी, इनके संगत और माइयत की वजह से हमारा बेड़ा भी पार फरमाएगा। देखिए ना, एक हदीस का छोटा छोटा सा मैं विश्वास करता हूँ। मजमा बैठा हुआ है, एक आदमी लोगों को देख करके इजमा देकर आ बैठा, जैसे मेला लगा हो। तो बिलाखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जो लसा, ये वो लोग हैं जिनकी संगत में आने वाला इंसान, इनमें बैठने वाला इंसान वैसे अपनी मुराद लेकर के आता है, तो वो भी वहाँ से महरूम होकर के नहीं जाता, भी अल्लाह तबारक व तआला उसको भी वो सआदत, वो बख्शिश का सामान और वो रूहानी तरक्की का सामान उसके नसीब में भी फरमा देता है। याद रखो, अगर दिल से चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस लिल्लाहियत के साथ अगर अल्लाह से ताल्लुक रखा जाए तो नूरुन अला नूर, और अगर मैं कहता हूँ दूर का भी ताल्लुक रखा जाए, दूर का भी, तो वो भी खसारे और नुकसान में नहीं रहता है। ये एक ऐसा सौदा है कि जिसका दुकान इतर फरोश है, वहाँ दुकान पर आप खरीदेंगे तो खुशबू खरीदेंगे तो नूरुन नूर, नूर ही नूर है। अगर ये ना हुआ तो जितनी देर आप वहाँ रहेंगे, आपके दिमाग के अंदर मशामे जान मुअत्तर होता रहेगा, खुशबू आपको मिलती रहेगी और दिमाग मुअत्तर रहेगा। तो इससे अंदाज़ा लगाइए, सोबते साले तरा साले पुनः, सोबते साले तरा साले पुनः, नेकों की मजलिस, अल्लाह वालों की मजलिस इंसान को कहीं से कहीं कर देंगे। असहाब का वाक्य आप कुरान में पढ़ते हो, सगे असहाब का चंद रोजा जिंदगी एक इंसान के साथ गुजार देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इंसानों की बदौलत तो उसको जन्नत में भेजेगा, यदि इंसानी शक्ल में। तो हम तो ये गुजरे जमाने के अंदर हैं मुसलमान, हमारे लिए यही सबक बड़ा है। और मेरे नजदीक कुरान हदीस का खुलासा यह है, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, ईसार, कुर्बानी, सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए हो। हमारा उठना चलना फिरना, वल मुतजाब मुतबाज़िलून फिया, वल मुतजालिसून फिया, वल मुतजामिरून फिया, कि मेरी रजा के लिए वो विजिट करते हैं, मुलाकात करते हैं, मेरी रजा के लिए उनका बैठना है, उठना है, ज़ियारत करना है। जब अल्लाह की रजा के लिए हो तो फिर अल्लाह ताला ही जज़ाए खैर अता फरमाने वाला है। तो मैं बस आपका कीमती वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, इसी पर इत्तेफाक करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे जहाँ भी हों, जिस जगह भी हों, बस एक शर्त है कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। हमारे बहुत से आदमी जो भी आ गया उसी खाते से, हमारे किसी से ना पैर है, ना दुश्मनी है, ना अदावत है, ना लेन है, ना देन है। सिर्फ एक बात है कि जो मुखलिस माना अलैहि व सहाबी, जिस तरीके पर अल्लाह और अल्लाह के नबी के लोग सहाबा ताबीन रहे, यही हमारे लिए हिदायत का रास्ता है।